स्लॉटर हाउस जो बनने की प्रक्रिया थी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, इन्होंने इसे पूरा नहीं किया और ये मॉडल स्लॉटर हाउस झांसी में आज तक नहीं बनाया गया। इस वजह से यहाँ हमारे जो मीट के दुकानदार हैं परेशान हो रहे हैं, सारे लाइसेंस इन लोगों के पास हैं। अभी प्राइवेट स्लॉटर हाउस है भगवंतपुरा में, वहाँ गवर्नमेंट ने इसकी टेम्परेरी व्यवस्था की थी, प्रदूषण विभाग ने उसका इंस्पेक्शन किया था तो उसमें कोई कमी पाई गई है तो इस वजह से उसे बंद कर दिया गया। अब जो लोकल के दुकानदार हैं फुटकर मीट विक्रेता, तो इनको कोई टेम्परेरी व्यवस्था बना दी जाए जिससे कि यहाँ दुकानें चालू हों, ये रोज़ का खाना है, इनका कारोबार है, तो ये शुरू हो जाए। ये कहना चाह रहे हैं जो पहले काम करते थे वही हम करते रहे, तो स्लॉटर हाउस मिले हमें, सरकार से अब और कुछ तो मांग नहीं रहे, जो हमारा पर्सनली कारोबार है वही हम करना चाहते हैं। छोटे छोटे थे जब से दुकान मकान खोली इनने, तो फिर दुकान की परेशानी भी हो गई हैगी, बच्चे भूखे प्यासे भी रही हैंगे, धंधा पानी है नहीं है कोई, पेट का करेंगे कि बच्चों का करेंगे, फीस भरना पड़ेगी, कहाँ से भरेंगे फीस। क्रेश समाज तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी का जो जरिया मीट बेचने का है वो करता है, अगर क्रेश समाज दोषी है तो जो लोग भैंस और जानवर बेचने का काम करते हैं तो ये भी उतने ही दोषी हैं। अगर इस कारोबार को बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करो।